हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे बैंडविड्थ के बारे में। बैंडविड्थ यह नेटवर्किंग के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। सिर्फ बैंडविड्थ नहीं, हम लोग देखेंगे बैंडविड्थ, थ्रूपुट, लेटेंसी, ये सब क्या है वो आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहले बैंडविड्थ को देखते हैं, उसके बाद बाकी दोनों को देखेंगे। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक है नेटवर्किंग के, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये आगे चल के आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या फिर नेटवर्किंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बैंडविड्थ इज ए बेसिकली ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब एक मैसेज, मतलब एक चैनल पे हम लोग कितना, एक सेकेंड में हम लोग कितना डेटा सेंड कर सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं बैंडविड्थ। मतलब मैसेज लेंथ को हम लोग बोल सकते हैं बैंडविड्थ। इस बैंडविड्थ को हम लोग मेजर करते हैं MBPS, मतलब मेगाबिट पर सेकेंड, KBPS, किलो बिट्स पर सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड, गेगा बिट्स पर सेकेंड, ऐसे करके। मतलब एक सेकेंड में एक चैनल के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ डेटा सेंड हो रहा है एट ए टाइम, उसको हम लोग बोल सकते हैं बैंडविड्थ। मान लीजिए, देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है इसको अच्छे से समझने के लिए। ये एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू हम लोग वाटर फ्लो होता है, जो वाटर हम लोग घर में यूज़ करते हैं वाटर फ्लो के लिए यूज़ करते हैं वाटर फ्लो पाइप। वही पाइप से अगर पाइप का ये जो मेजरमेंट है, ये डायमीटर है, ये अगर थोड़ा कम होगा तो इसके अंदर से जो पानी जाएगा उसका साइज कितना होगा या फिर उसका फ्लो कितना होगा, कम होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर तीन पाइप हम लोगों ने लिए हैं, इसका जो मेजरमेंट है ये बड़ा है, बट इसका जो मेजरमेंट है ये छोटा है। तो इसके अंदर से जब कोई पानी निकलेगा तो उसका फ्लो क्या होगा, थोड़ा कम होगा कंपेयर टू इस पाइप से। अगर हम लोग जो फ्लो करेंगे वाटर को, उससे कम होगा ये सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा ये। तो ये पाइपलाइन से समझ में आ रहा है। या फिर आप बोल सकते हैं, मान लीजिए एक बस है, एक बस में जितने पैसेंजर होंगे, एक ट्रेन में अगर आप लोग लाइफ एग्जांपल लेंगे, एक ट्रेन में उससे ज़्यादा होगा। तो वही अगर जो हम लोग चैनल यूज़ कर रहे हैं, उस चैनल के थ्रू हम लोग कितने डेटा को एक साथ सेंड कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर 60 कैपेसिटी का पर्सन बैठ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सकते हैं, पर वहीं पर ट्रेन में अप्रॉक्स 2000 पर्सन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। तो वही है, ये इसको ही हम लोग बोल रहे हैं बैंडविड्थ, मतलब कितना डेटा हम लोग पर सेकेंड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो मेगाबिट्स, किलोबिट्स, वो डिपेंड करता है जो हम लोग जो चैनल यूज़ कर रहे हैं, ईथरनेट हो या फिर कोएक्सियल केबल, वो जो चैनल या फिर फाइबर ऑप्टिक, ये जो चैनल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर बैंडविड्थ का साइज 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड होगा तो इसका मतलब क्या है, एट ए टाइम हम लोग 10 to the power 6 बिट्स को पर सेकेंड में ट्रेवल कर सकता है, 10 to the power 6। अगर 1 KBPS होगा तो 10 to the power 3 बिट्स को हम लोग पर सेकेंड में ट्रेवल कर सकते हैं। अगर 1 GB होगा तो 10 to the power 9 बिट्स को हम लोग एट ए टाइम पर सेकेंड में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक चैनल के थ्रू, सेंडर से रिसीवर के तरफ। आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आया बैंडविड्थ क्या होता है। अभी नेक्स्ट है हमारा थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या है? थ्रूपुट रेफर्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेशन चैनल इन द पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, वो जो मैंने पाइपलाइन का एग्जांपल लिया, उसी पाइपलाइन के अंदर एट ए टाइम हम लोग कितना डेटा फ्लो कर रहे हैं वो तो बैंडविड्थ है। बट मान लीजिए हम लोग एट ए टाइम 10 to the power 6, मतलब 1 मेगाबिट्स हम लोग 1 मेगाबिट्स हम लोग इसमें सेंड कर रहे हैं, बट एक्चुअली में यहाँ पर अगर दूसरा कोई चैनल होगा इससे कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, एक्चुअल डेटा तो नहीं जाएगा, यहाँ से
इस डेटा यहाँ पर होगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ से डिवाइड होगा, इसके इसके थ्रू थोड़ा डिवाइड होगा, तो एक्चुअली 10 टू द पावर 6 नहीं आएगा, या फिर मान लीजिए 10 टू द पावर 5 या फिर 10 टू द पावर 4 बिट्स पर सेकेंड डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। सेकेंड में 10 टू द पावर 5 या फिर 10 टू द पावर 4 बिट्स पर सेकेंड में ट्रांसमिट हो रहे हैं चैनल के थ्रू। मतलब वही है, हम लोग जो एक्चुअल डेटा को सेंड करना चाहते हैं वो डेटा सेंड नहीं हो रहा है, उससे कम हम लोग डेटा सेंड कर पा रहे हैं, ताकि नेटवर्क के जो ट्रैफिक है उसके रिलेटेड, उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर हम लोग कितने सारे शेयर मीडिया एक साथ यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर ये थ्रूपुट डिपेंड करता है। तो अगर आप एक लाइव एग्जांपल से समझेंगे, तो मान लीजिए आप एक मैप में देख रहे हैं जे दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अगर आपका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होगा, तो आप 4 आवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। बट रास्ते में तो पूरा रास्ता, तो ये तो आपका अप्रोक्स स्पीड है, वो आपको बता रहा है, बट ये रास्ता जो है, ये जो रोड है, वो तो सिर्फ आपके लिए नहीं बना है, और भी बहुत सारे इन पर्सन यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर आपको जैम मिल सकता है, कहीं पर कोई रोड के ऊपर काम हो सकता है, इसी के कारण आपका डिले हो सकता है। तो अब एक्चुअली आप 60 के ऊपर, 60 आपका मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, वो आप अचीव नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, चाहे ट्रैफिक के लिए हो या फिर कोई रोड के वर्क के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए। एक्चुअली जो आपका अचीव होना चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपका जो स्पीड होना चाहिए वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से आप एक्चुअल 4 आवर में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो वो आपका पॉसिबल नहीं है, वहीं पर आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 4 आवर की जगह 5 आवर्स होगा। यही बोल रहा है, ये है थ्रूपुट, मतलब आप जितना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग 60 को अचीव करना चाहते हैं, बट कारणवश हम लोग 30 या फिर 40 50 ये मैक्सिमम स्पीड हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, वही है आपका थ्रूपुट। एक्चुअल हम लोग कितना डेटा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क, यही है आपका थ्रूपुट। आई होप बैंडविड्थ क्या है और थ्रूपुट क्या है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है आपका लैटेंसी। लैटेंसी का मतलब सीधा सीधा मतलब है, ये है डिले। मतलब देखिए यहाँ पर एक सेंडर है, एक रिसीवर है, सेंडर से रिसीवर तक का जो टाइम है वो हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन टाइम। ओके, वो मैंने बताया ना जैम होने के कारण, एक साथ तो बहुत सारे, हमसे तो एक ही पर्सन या फिर 2 पर्सन डेटा सेंड नहीं कर रहे, एक साथ बहुत सारे पर्सन डेटा को सेंड कर रहे हैं नेटवर्क चैनल के थ्रू, तो वहीं पर ही जब सेंडर रिसीवर को डेटा सेंड कर रहा है तो जैम होने के कारण या फिर कोई भी पोल्यूशन होने के कारण जब डेटा थोड़ा धीरे जितना टाइम में पहुंचना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंसी टाइम। ऐसा भी है, देखिए जब हम लोग सेंडर रिसीवर को डेटा सेंड कर रहा है तो इतना डेटा ट्रैवल करने के लिए जितना टाइम लगेगा, वही रिसीवर सेंडर को जब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ आपका डेटा मेरे पास रिसीव हो चुका है, तो ये क्या कर रहा है, एक टाइम यहाँ पर एक टाइम यहाँ पर, मतलब एक ही जगह वो 2 टाइम्स ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो टाइम है जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोपगेशन टाइम, जो आपके लैटेंसी टाइम के इक्वल है, प्रोपगेशन टाइम जो आपके लैटेंसी टाइम के इक्वल है, या फिर इसको हम लोग राउंड ट्रिप टाइम भी बोल सकते हैं। राउंड ट्रिप टाइम क्यों, यहाँ पर एक बार रिसीवर के पास जाने के लिए, रिसीवर से सेंडर के पास आने के लिए, मतलब राउंड होकर एक एक जगह से फिर से, देखिए सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से फिर से सेंडर के पास आ रहा है, तो एक राउंड कवर कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको राउंड ट्रिप टाइम बोलते हैं। ये लेटेंसी राउंड ट्रिप टाइम के इक्वल है। देखिए द लेटेंसी इज द डिले इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन में जो डिले होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम लोग डिले बोलते हैं। नेटवर्क्स विथ ए लॉन्गर डिले और लेग हैव हाई लेटेंसी, जब बहुत ज़्यादा डिले होता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वो हाई लेटेंसी है। अगर आपका डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है
100 मीटर, ओके। तो 100 मीटर ट्रैवल करने के लिए मान लीजिए आपको लग रहा है 15 मिनट्स, अगर वहीं पर आपका डिले होगा तब भी मान लीजिए ये 15 मिनट्स ही होगा जो आपका लेटेंसी है, बट अगर आप 10 मीटर डिस्टेंस को कवर करेंगे तो आपका टाइम कितना होगा, मान लीजिए 2 मिनट्स। देखिए यहाँ पर 15 मिनट्स लग रहा था, यहाँ पर 2 मिनट्स लग रहा है, ऑटोमेटिक लेटेंसी यहाँ पर कम ज़्यादा है, यहाँ पर लेटेंसी कम है, तो लेटेंसी यहाँ पर कम हो जा रहा है। तो ये लेटेंसी आपके डिस्टेंस के ऊपर कवर डिपेंड करता है, आप कितना डेटा को फ्लो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर यहाँ पर आप 10^6 बीट्स पर सेकेंड में ट्रेवल कर रहे हैं तो इसमें आपका ये टाइम लगेगा, वहीं पर अगर आप यहाँ पर भी सेम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो टाइम कम लग रहा है, अगर वहीं पर अगर आप 10^9 डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो इसमें और भी ज़्यादा कम आपका टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि डेटा का वॉल्यूम स्पीड यहाँ पर आपका ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, यहाँ पर 10^6 है, यहाँ पर 10^9 है, तो इसमें ज़्यादा फास्ट होगा। ये कुछ छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर ये लेटेंसी डिपेंड करता है, स्पीड के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, नेटवर्क में, इसके ऊपर ये डिले होता है, लेटेंसी मतलब डिले। आई होप मैंने पूरी अच्छे तरह से आप लोगों को समझा दिया है कि लेटेंसी क्या है, बैंडविड्थ क्या है एंड थ्रूपुट क्या है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपके नेटवर्किंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर फिर भी आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।